दोस्तों आज का टाइम कुछ ऐसा चल रहा है कि यदि मोहल्ले में निकल जाएं तो हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति यह चाहता है कि मैं भी YouTube पर आऊं, अपने 2-4-10 वीडियो अपलोड करूं और फेमस हो जाऊं, YouTube से पैसे कमाना स्टार्ट कर दूं। लेकिन क्या ऐसा संभव है? जरूर ये संभव है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। यदि आप मेरे इन 10 पॉइंट्स को याद रखते हैं, इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स हैं जो नए यूट्यूबर गलती करते हैं और उसके बाद असफल होकर निराश हो जाते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके सफल होने का राज छिपा है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे इस वीडियो का सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके वीडियो में यूनिकनेस होना चाहिए। यदि आपका वीडियो यूनिक है, यूनिक या फिर आपका वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक पर है, तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और आप अपनी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ सकते हैं। और मेरा दूसरा पॉइंट है वीडियो का SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO में आपको 4 पॉइंट याद रखना है। पहला टाइटल, दूसरा टैग, तीसरा डिस्क्रिप्शन और चौथा अपने वीडियो का थंबनेल। यदि आप ये 4 चीज सही से करते हैं तो आप अपने चैनल को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन डालना और थंबनेल बनाना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियोस जरूर बनाऊंगा और आपके चैनल को ग्रो करने में आपका हेल्प जरूर करूंगा। मेरा तीसरा पॉइंट है ब्रांडिंग बिल्ड करना। यदि आप अपनी ब्रांडिंग बिल्ड करते हैं तो आप अपनी सफलता की तीसरी सीढ़ी चढ़ेंगे। मतलब आप अपना यूट्यूब चैनल जिस नाम से स्टार्ट किए हैं उसी नाम से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर सोशल मीडिया पर अगर सेम नाम से अकाउंट बनाते हैं तो आपकी ब्रांडिंग बिल्ड हो जाएगी। और आपको अपनी ब्रांडिंग को बनाए रखने के लिए आपको उन सब सोशल मीडियाज पर डेली एक्टिव रहना होगा और अपने टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट करते रहना होगा। मेरे इस वीडियो का चौथा पॉइंट है वीडियो की एडिटिंग। यदि आप अपने वीडियो की एडिटिंग अच्छे से करते हैं, यदि देखने वाला यूजर आपके वीडियो से प्रभावित होता है तो आपका वीडियो जरूर चलेगा और ये भी आपके सफलता की एक सीढ़ी हो सकती है। मेरा पांचवा पॉइंट है साउंड क्वालिटी, मतलब वॉइस। यदि आपके वीडियो में वॉइस क्लियर है, वॉइस से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। यदि आपको कॉस्टली लगता है तो आप अपना ईयरफोन ही यूज कर सकते हैं या फिर आजकल के लगभग सभी मोबाइल में अच्छे माइक्स आने लगे हैं और उन सब में बिना किसी एक्सटर्नल माइक के आसानी से और क्लियरली वॉइस रिकॉर्ड हो जाता है। यदि आपके वीडियो में साउंड क्वालिटी अच्छा है तो ये भी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको ग्रो करने में। मेरा छठा पॉइंट है वीडियो लेंथ। यदि आप नए यूट्यूबर हैं तो कोशिश करें कि आप अपने वीडियो की लेंथ 5 मिनट से अधिक न रखें। 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, बस इतने तक में ही समेटने का कोशिश करें, क्योंकि नए यूट्यूबर के लंबे वीडियोस बहुत कम चलते हैं, क्योंकि पहले आपको ऑडियंस का भरोसा जीतना होता है। यदि आप उन सब पर अपना ट्रस्ट बना लेते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, इसके बाद आप अपने वीडियो की लेंथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में नए यूट्यूबर यही गलती करते हैं, लंबे लंबे वीडियो बना के रख देते हैं जिनको देखने वाला शायद कोई नहीं होता। इसलिए आपको अपने वीडियोस छोटे रखने चाहिए और अपनी वीडियो में इधर उधर की बातें ज्यादा ना करें। जो काम की बातें हैं, जो जरूरत की बातें हैं, सिर्फ उतना ही मेंशन करें। मेरे इस वीडियो का सातवां पॉइंट है एंड स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, एंड स्क्रीन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जो वीडियो चलता रहता है, वीडियो के लास्ट में 2-4 वीडियो और सजेशन में आ जाते हैं, उसे कहते हैं एंड स्क्रीन। यदि आप अपने वीडियोस पर एंड स्क्रीन लगाते हैं तो इससे क्या होगा, आपके व्यूज बढ़ेंगे। मतलब यदि आपका कोई वीडियो देखता है और लास्ट तक पहुंच जाता है, यदि आपके वीडियो में क्वालिटी है, वीडियो लेंथ ज्यादा नहीं है, तो आपके वीडियो को पूरा देखेगा और अगर पूरा देखेगा तो एंड में आपका 2-4 वीडियो और शो करेगा, सजेशन करेगा और उन सब पर क्लिक होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं और इससे भी व्यू इंक्रीज होता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके चैनल को ग्रो करने में। मेरा आठवां पॉइंट है आपके वीडियो में
यूजर अट्रैक्शन होना चाहिए, आपके वीडियो में बोरिंग चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि आपका वीडियो व्यूवर्स पर पहली बार में इम्प्रेशन जमा लिया और अच्छा इम्प्रेशन दिया है तो वो व्यूवर्स आपके बारे में खंगालना शुरू कर देगा, आपके होम पेज में जाएगा, आपके अबाउट सेक्शन में अबाउट पढ़ेगा, आपके चैनल को विजिट करेगा, पूरा स्क्रॉल करके देखेगा। इससे क्या होगा, आपका वीडियो उसके यूट्यूब पर होम पेज में शो करने लग जाएगा और होम पेज में जब शो करेगा तो क्लिक होने के चांस बहुत अधिक होते हैं, इससे भी आपके चैनल को ग्रो मिल सकता है। मेरे इस वीडियो का सेकेंड लास्ट पॉइंट है रेगुलरिटी मेंटेन करना। यदि आप अपने वीडियो फिक्स डेट को अगर पब्लिश करते हैं, जैसे आप अपने हिसाब से चुन लीजिए कि दो दो दिन में पब्लिश करना है एक वीडियो, या फिर डेली बेसिस पर एक वीडियो, या सुबह शाम दोनों टाइम पब्लिश करना है, तो आप टाइमिंग एक सेट कर लीजिए कि आपको किस टाइमिंग पर पब्लिश करना है, ताकि व्यूवर्स उस कंटेंट के लिए वेटिंग लिस्ट में लगा रहे और वेट करता रहे आपके कंटेंट के पब्लिश होने का, जिससे आपका वीडियो पब्लिश होगा और एंड टाइम पर यदि व्यूवर्स क्लिक करके वीडियो देख लेता है तो उसको YouTube और पुश करता है और भी वीडियो के नीचे रिकमेंड करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके चैनल को ग्रो करने में। मेरे इस वीडियो का दसवां और लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही जरूरी है, ये है पेशेंस। यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ऊपर के 9 पॉइंट किसी काम के नहीं है। यदि आपके अंदर पेशेंस है, यदि आप अपने चैनल पर 10, 12, 15 वीडियो अपलोड करने के बाद हताश हो जाते हैं कि आपका वीडियो नहीं चल रहा है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, यदि ऐसा स्थिति आता है तो बहुत मुश्किल है, आप वहीं से क्विट कर जाएंगे और आपके लिए ऊपर के 9 पॉइंट किसी काम के नहीं होंगे। ऊपर के बताए गए 9 पॉइंट और ये 10वां पॉइंट दोनों बराबर हैं, मतलब उधर के 9 पॉइंट और इधर का 1 पॉइंट दोनों बराबर हैं। अक्सर 90% यूट्यूबर के फेलियर होने का रीजन यही है कि वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, अपने चैनल को लेके हताश हो जाते हैं, वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं और यूट्यूब क्विट करने का डिसीजन ले लेते हैं। दोस्तों, मुझे 100% भरोसा है कि ये 10 पॉइंट आपके चैनल को ग्रो करने के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए जो यूट्यूब पर नए हैं या फिर आना चाहते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।